नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैथ के क्लासेस में मैं गुड़िया केसी आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हेलो एवरीवन, फ्री ऑनलाइन क्लासेस में गुड़िया केसरी के चैनल में आपका तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग। दिन की शुरुआत हो चुकी है और पहला क्लास आपका आता है मैथ का, राइट। तो मैथ में हमने कल बहुत सारी चीज़ें सीखी, धीरे धीरे करके हम मैथ के गहराई तक पहुँच रहे हैं, राइट। हमने पढ़ा अभी तक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर, प्रीडेसर, प्लेस वैल्यू, नंबर नेम, अगर वगैरह बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनी डिजिट के, मैनी डिजिट यानी अलग अलग डिजिट के स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। क्या है ये ग्रेटेस्ट नंबर, क्या है ये स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, आज यही सब चीज़ें हम देखेंगे। तो गाइस, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, एक बात याद रखना, क्लास थर्ड के ऊपर के सारे बच्चे क्लास देख सकते हैं, क्लास थर्ड से, ठीक है। अभी आगे चल के मैं हार्ड कर दूँगी, जब मैं आपको फ्रैक्शन पढ़ाऊँगी, इंटीजर्स पढ़ाऊँगी और आपका क्या कहते हैं डेटा हैंडलिंग पढ़ाऊँगी, प्रॉफिट लॉस पढ़ाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत मज़ा आएगा। मेरे साथ कंटिन्यूस बने रहना, क्लास को देखते रहना, अपनी मैथ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लेना, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ, 20-25 मिनट ही ले रही हूँ, लेकिन हाँ बहुत कुछ सिखा रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं आज का क्लास का, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले उठाती हूँ मैं क्या, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, डिजिट वाले ग्रेटेस्ट नंबर। क्लास है आपकी मैथ की, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। देखो गाइस, ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर नहीं समझोगे तो भाई मार खा जाओगे पढ़ाई में और आपके मैथ में, ठीक है। तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है फाइव डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, पाँच, फाइव डिजिट, फाइव मतलब पाँच, डिजिट मतलब अंक, पाँच अंक का सबसे बड़ा नंबर लिखना है। सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, जीरो से लेकर चलता है नाइन तक में, सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, तो आप बोलोगे नाइन होता है। कितने डिजिट का लिखना है, कितने अंक का लिखना है, तो आपको जो लिखना है वो लिखना है पाँच डिजिट का। तो आपको कुछ नहीं करना है, फाइव बार पॉइंट देना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि पांच डिजिट बोला है इसलिए पांच बार पॉइंट देंगे। क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर जीरो से लेकर नौ के बीच में, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, नाइन, तो पांच बार आपको नाइन लिखना है, 1 2 3 4 5, है ना, कितना सिंपल। लोग खामोखा क्या करते हैं, इससे डरते हैं, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए लिखा मैंने सेवन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ा रही हूँ और टोटली आपकी स्कूल का पढ़ा रही हूँ। क्वेश्चन खोलो, बुक में देखो, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे। हाँ, डिजिट चेंज कर दिया होगा, यहाँ फाइव डिजिट लिखा है, वहाँ सेवन डिजिट होगा, या थ्री डिजिट होगा, या टू डिजिट होगा, इस तरीके से, ठीक है। आओ, सेवन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, सेवन डिजिट का यानी सात डिजिट का, तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर जीरो से लेकर नाइन तक में सबसे बड़ा नंबर नाइन होता है, तो बस सात बार नाइन लिख दो। क्या आपको समझ में आ रहा है। लोग खामोखा मैथ को हार्ड बताते हैं, अगर समझ में आ जाए तो इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं है, अगर ना समझ में आए तो इससे हार्ड कोई चीज़ नहीं है, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी करवाती हूँ क्वेश्चन ग्रेटेस्ट नंबर का, फिर हम चलेंगे स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ और फिर हम चलेंगे अपने होमवर्क की तरफ, ओके। चलो और भी देखते हैं, जैसे दे देगा थ्री डिजिट का, थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो,
एक दो तीन, क्या लिखना है ग्रेटेस्ट नंबर? एक दो तीन, ख़त्म। कितना सिंपल है, आ जाएगा 9 डिजिट का। डिजिट माने अंक होता है, 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। चलो, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक पहेली पूछी थी, अगर आपको याद होगा तो मैंने एक पहेली ये पूछी थी कि बताओ क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है। याद आ रहा है, पहेली था क्या चीज़ है जो कभी नहीं रुकता है, चलता रहता है? तो उसका आंसर है समय। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी महान पुरुष क्यों ना हो, चाहे वो एक आम आदमी ही क्यों ना हो, समय किसी के लिए नहीं रुकता। ये बात आप अपना याद रखना, ठीक है? अच्छा, आज की पहेली क्या है? आज की पहेली ये है, इंसान के शरीर में, यानी जब इंसान जब जन्म लेता है, ठीक है, जन्म से लेके बुढ़ापे तक, यानी जब मरता है तब तक, शरीर का वह कौन सा पार्ट है या शरीर का वह कौन सी चीज़ है जो कभी न तो बढ़ता है न घटता है? जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा रहता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी चेहरा बढ़ता है ना, उसका हाथ पैर उंगली, ठीक है, उसके शरीर का हर एक पार्ट बढ़ता है, लेकिन शरीर में उसके एक ऐसा भी पार्ट होता है जो कभी नहीं बढ़ता, ठीक है, जो कभी नहीं पढ़ता। तो वो उसका आंसर क्या है ये आपको बताना है, और इस आंसर की पहेली का आंसर मैं दूंगी कल, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, चले बढ़ें आगे, ठीक है? तो इस पहेली को याद रखना, ओके? चले अब हम पढ़ते हैं इस स्मॉलेस्ट की तरफ, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, नहीं समझे तो सब चला गया, ठीक है? जैसे क्वेश्चन है 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, ठीक है? वैसे 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 सबसे छोटा नंबर नहीं माना जाता, सबसे छोटा नंबर माना जाता है 1, ठीक है? 3 डिजिट का बोला है, 1 2 3, तो याद रहे शुरू का पहला नंबर 1 होगा, बाकी जितने डिजिट बचेंगे उतने 0 होंगे। आया समझ में? 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 लिख के 2 0, यह है आपका स्मॉलेस्ट नंबर। और भी देख लो, जैसे आपके क्वेश्चन में दे दिया कि मान लो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 8 डिजिट का सबसे छोटा नंबर बताओ, बहुत सिंपल है और बहुत आसान भी है, ठीक है? आओ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 डिजिट का बोला है इसलिए 8 डिजिट का लिखेंगे। तो याद रहे शुरू का सबसे पहला नंबर छोटा होगा, यानी 1 होगा, और बाकी जो बचे हैं कितने, 7 आपके 0 हो जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन देखो भाई। देखो, इंटरेस्टिंग क्लास है, मेरी क्लास कभी भी बोरिंग नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बोर होने दूंगी ही नहीं, ठीक है? पढ़ेंगे भी, साथ में चुटकुले भी सुनेंगे, और पहली भी चलती रहेगी, ताकि क्लास बिल्कुल बोरिंग ना लगे। तो आपका काम है क्लास को लाइक करना, क्लास को शेयर करो भाई, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके अपने चाहने वाले, आपके अपने लोग, जिन्हें आप चाहते हो कि मेरे साथ साथ ये भी बढ़े, तो जिन्हें भी आप चाहते हो कि वो इंसान भी बढ़े, तो कम से कम उसे तो बताओ इस क्लास को, है ना भाई? घर में बच्चे हैं, परिवार में दोस्त हैं, फ्रेंड है, सबको बताओ इस क्लास के बारे में, लोगों से चैनल सब्सक्राइब करवाओ, ताकि सभी पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, है ना? कंपटीशन तभी अच्छा लगता है जब
साथ में कई सारे लोग हों, बहुत सारे लोगों को पीछे करके जो आगे भागने में मज़ा है ना, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा भाई, देखो सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं, लोग हैं जिन्हें मेरी क्लास पसंद आ रही है, तो मैं चाहती हूँ आप भी लोगों को शेयर करो, ठीक है। बहुत जल्द मैं आपका लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँगी, ताकि आप मुझसे बातें कर सको, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सको, ठीक है। चलो ओके, पढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। जैसे आपका आया 5 डिजिट का, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। हिंदी की बात की जाए तो 5 मतलब 5 डिजिट मतलब अंक, स्मॉलेस्ट मतलब छोटी और नंबर माने संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो आपका है 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट नंबर, शुरू का नंबर 1 और बाकी 4 हो जाएगा आपका 0, है ना। तो ये रहा आपका स्मॉलेस्ट नंबर, आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। आगे देख लेते हैं और भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए लिख लिया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, कितने 4 डिजिट का, 1 2 3 4, शुरू का पहला अक्षर 1 और बाकी जो 3 बचे हैं वो है 0, ठीक है, यानी 1000। क्लियर है गाइस, आई होप इतनी चीज़ें तो क्लियर ही हो गई होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। चलो क्लियर है, और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, और आगे बढ़ते हैं। नाइन डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यानी 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखो, ठीक है, 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या को लिखो। और लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 लिख के बाकी जो होंगे 8 आपके 0 हो जाएंगे, क्लियर है। एक बार चलो मैं एक चुटकुला सुनाती हूँ, ठीक है, क्लास बोरिंग ना लगे इसलिए। एक बार 3 छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है, वो अपने अपने दादाजी की तारीफ़ कर रहे थे, ठीक। एक बच्चे ने कहा, तुम्हें पता है मेरे दादाजी इतने भुलक्कड़ थे कि वो तो अपना घर ही भूल गए। दूसरा बोला, बस अरे भाई मेरे दादाजी तो इतने भुलक्कड़ थे कि दादी जी को ही भूल गए। तीसरा चुप था, दोनों ने पूछा, क्यों चुप हो भाई, तुम बताओ अपने दादाजी की क्वालिटी। तो कहने लगा, मेरे दादाजी तो इतने भुलक्कड़ थे कि एक दिन वो कमरे में आए, बिस्तर पे अपनी डंडी यानी लाठी को रख दिया और अपने खुद जाके कोने में खड़े हो गए। जो आपको चुटकुले कैसे लगे बताना ज़रूर, है ना। मैं आपको चुटकुले क्यों सुना रही हूँ, ताकि आप बोर ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, क्लास को इंटरेस्टिंग बनानी है, ठीक है। आज की पहेली का पता चल गया, आज की पहेली मैंने क्या पूछा, तो आज की पहेली मैंने ये पूछा है कि वह कौन सी चीज़ है, ठीक है, जो हमारे शरीर में है, न तो वो कभी बढ़ती है न तो वो कभी छोटी होती है ना, ठीक है, यानी साइज उसकी अगर इतनी फिक्स हो गई कि उसकी साइज इतनी बड़ी है, तो ज़िंदगी भर इतनी ही रहेगी, कभी छोटी बड़ी नहीं होती। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या जानते हो, ठीक है, इसका आंसर आप दोगे, ठीक, क्योंकि ये आपसे पूछा गया है। ओके चलो, चलो तो मैं अब दे रही हूँ आपको होमवर्क। ओके, अब मैं आपको देने वाली हूँ होमवर्क। होमवर्क में क्या देने वाली हूँ, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर पे क्वेश्चन,
ठीक है, तो आपका काम रहेगा होमवर्क करना और इसका आंसर मैं बताऊंगी कल, भूलना नहीं। ठीक है, आपका होमवर्क क्या रहेगा? अब आपका क्या क्वेश्चन है? नंबर वन, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर टू है, 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। क्वेश्चन तीसरा है, 8 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखो। चौथा क्वेश्चन है, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो। और मैं आपको बता दूं, केवल इतना ही क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन क्या आते हैं, क्वेश्चन दे देता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखो और क्या नाम है उसका प्रीडेसर या सक्सेसर लिखो। ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन कल करवाऊंगी, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ठीक है, पहले आप इसे करके दिखाओ मुझे, कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना। ठीक है, आपका काम रहेगा ये करना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, भूलना नहीं है, करना है। गलत सही करोगे तभी आगे बढ़ोगे। अगर गलत हुआ मान लो क्वेश्चन, तो डरने वाली थोड़ी बात है। क्या मैं आपको मुर्गा बना दूंगी? क्या मैं आपसे कहूँगी दोनों हाथ ऊपर खड़े हो, खड़े करके खड़े हो जाओ? नहीं ना। क्या मैं आपको डांटूंगी? नहीं, बल्कि जहाँ भी गलती करोगे मैं आपको फिर से समझाऊंगी, कल की क्लास में एक बार समझाते हुए फिर आगे बढ़ूंगी। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जैसे अपने ट्यूशन में जाते हो पढ़ने के लिए, मैम से पूछते हो, मैम ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ बता दो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो भाई, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लिख के पूछ सकते हो कि मैम इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी बात, एक बात और याद रखो, क्या कहते हैं, अभी आपका लाइव क्लास चलेगा तो समझ लें बिल्कुल ट्यूशन ही चलेगा, क्योंकि फिर मैं हर सैटरडे को टेस्ट भी लिया करूँगी, मज़ा आएगा। ठीक है, स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पढ़ो, यहाँ भी पढ़ने को मिल रहा है, लाइफ में आगे पढ़ने को मिल रहा है, अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो मेरी तरफ से जितनी कोशिश है, मैं आपको पर्याप्त कोशिश कर रही हूँ कि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लास कैसी लगी, क्लास में लाइक ज़रूर ज़रूर से कर देना, कमेंट करना नहीं भूलना। आपने भी सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, और लोगों से सब्सक्राइब कराना नहीं भूलना। मिलते हैं कल की क्लास में, पहेली सोच के रखना उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कल मिलेगा। और ये रहा होमवर्क, ठीक है, ये रहा होमवर्क, जो कल मैं इसका आंसर बताऊंगी, पहेली का भी और इस क्वेश्चन का आंसर भी, तब तक आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।